इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। बेलगाम लोकसभा के मद्देनज़र आखिर कांग्रेस की जानिब से सतीश जारकीहोली के नाम का ऐलान बेंगलोर रियासती दफ्तर से किया गया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से उम्मीदवारी सतीश जारकीहोली को दी गई। पिछले कई महीनों से कांग्रेस और भाजपा की ओर से पहले आपकी तरह नामों के ऐलान को लेकर वह मुकाबला चल रहा था। यह भी इत्तला हासिल हुई है कि भाजपा की जानिब से उमेश कत्ती भी मैदान में आ सकते हैं। वैसे भाजपा की जानिब से ख्वाहिशमंदों की फहरिस्त तवील है, पर अब सवाल यह भी उठता है कि क्या सतीश जारकीहोली के मुकाबले का कोई बड़ा लीडर या कैंडिडेट भाजपा उतार सकती है। भाजपा की गिरती साख क्या सुरेश अंगड़ी की सीट को बचा पाएगी। ऐसे कई सवालों पर आवाम में चर्चा तेज है। भाजपा को लेकर देश में हर तरफ बढ़ती महंगाई पर नाराजगी तो है, पर वजीर आजम और वजीर दाखला आज भी हिंदुत्व का कार्ड खेलने से नहीं चूकते। तभी तो किसी तरह मजहबी नारों की आड़ में जज्बाती मौजुओं पर आवाम को अपनी तरफ माइल करना जारी है। भले धर्म सियासत का कार्ड बंगाल में खेलने की कोशिश भाजपा कर रही है, पर जिस तरह ड्रामेबाजी में भाजपा आगे है, वैसे भी ममता भी कुछ कम नहीं है। लिहाजा मंत्रों का जाप कर मोदी को धोबी पछाड़ मारने की फिराक में दीदी नजर आ रही है। वैसे भी एग्जिट पोल तो तृणमूल कांग्रेस के हक में ही है। भले कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा बाजी मार सकती है, ऐसे अफवाहें उठा रहे हैं, पर सच्चाई यही नजर आ रही है कि भाजपा बंगाल में हार रही है, अगर एग्जिट पोल को सच मान लिया जाए। पर कुछ मोदी भक्तों ने तो भाजपा को श्रीलंका और नेपाल में भी जीत सकती है कहा है। खैर, अगर बेलगाम लोकसभा पर नजर डालें तो बेलगाम जिला में जारकीहोली भाइयों का दबदबा है, पर क्या सीढ़ी मामले का कोई असर हो सकता है, इस तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। बेलगाम जिला की पहचान यह है कि रियासत कर्नाटक की सियासत इसी जिले से तय की जाती है। अब सीढ़ी मामले में भी बेलगाम की तरफ ही देखा जा रहा है, क्योंकि सीढ़ी गर्ल भी बेलगाम से होने की ही बात कही जा रही है। बेलगाम सियासत में रमेश जारकीहोली, लक्ष्मी हब्बाड़कर, सतीश जारकीहोली, फिरोज सेठ, सिद्धनार शंकरानंद और भी कई दिग्गज लीडरों ने रियासती तौर पर अपना नाम दर्ज किया है। तकरीबन 17 लाख वोटर्स में लिंगायत, कुर्बर, दलित, पिछड़ा समाज और मुसलमान कसीर तादाद में। अगर एमआईएम, जेडीएस, कांग्रेस अगर अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करते, वैसे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी नाम आ रहा है, अगर ये लोग उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो इसका फायदा भाजपा को जरूर हो सकता है, क्योंकि मुसलमान अक्सर कांग्रेस को वोट देते हैं। अगर एमआईएम उम्मीदवार खड़ा करती है तो भले ही कुछ ही फीसद क्यों ना हो, पर तकसीम जरूर होगी। इसी तरह दलितों, पिछड़ों समाज का भी यही अक्सर वोट यकीनन कांग्रेस को जा सकता है, पर कुछ कुछ वोट भाजपा की तरफ भी जा सकते हैं। बेलगाम शहर और कुछ अतराब में मराठी वोटर्स हैं जो भाजपा और एमईएस में बट सकते हैं। कांग्रेस को एक और नुकसान यह हो सकता है कि आपसी इख्तलाफात आज भी इस पार्टी में देखे जाते हैं। पार्टी के उम्मीदवार को जिताने से भी ज्यादा हराने की कोशिश कर सकते हैं। अगर खुलकर कहा जाए तो लक्ष्मी हेबड़कर और जारकीहोली भाइयों का तनाजा काफी पुराना है। कांग्रेस जेडीएस हुकूमत को गिराने में यही तनाजा वजह रहा, ये सभी जानते हैं। वही दूसरी ओर सतीश जारकीहोली भी दो राहे पर खड़े नजर आते हैं। जीत भी जाते हैं तब भी और हार भी जाते हैं तभी, क्योंकि अगर जीत जाते हैं तो मरकजी सियासत में इन्हें वहां कुछ करने के लिए ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। और अगर यमकन मडेहर के में सतीश जारकीहोली की पकड़ जिस तरह तमाम समाज में है, इस पकड़ किसी और की होगी ये भी मुमकिन नहीं। अगर भाजपा तगड़ा उम्मीदवार देती है और फिर एक बार पार्टी या मोदी के नाम पर आवाम वोट दे सकती है तो कांग्रेस के लिए यह हार बड़ा पैगाम दे सकती है। लिहाजा सतीश जारकीहोली का जीतना भी उतना ही जरूरी है। लिहाजा यह चुनाव सतीश जारकीहोली के लिए इम्तिहान के तौर पर भी देखा जा रहा है। 17 तारीख को रियासत की सियासत को नई दिशा देने वाला दिन हो सकता है, क्योंकि इससे पहले सतीश जारकीहोली और रमेश जारकीहोली रियासत की सियासत के बेताज बादशाह थे, पर सीढ़ी मामले में इनकी सियासत तस्वीर पर बड़ा असर डाला है। कुछ इनके हिमायतियों का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जारकीहोली अंपायर को इस सीढ़ी मामले ने हिला दिया, यह सच है। आज भी मामला थमते नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस का एक सिद्धरमैया ने रमेश जारकीहोली के खिलाफ असमत रेजी का मुकदमा दायर करने की मांग की है, तो वही सीढ़ी गर्ल के घर वालों ने अपना बयान दर्ज किया है। मतलब बजाय परेशानियां घटने के इजाफा ही होता जा रहा है। एक और हासिल इत्तला के मुताबिक वाई पुत्तुराजू ने बरोज मंगल एक और फरियाद रमेश जारकीहोली के खिलाफ ईडी में दायर की है, जिसमें उन्होंने
रिश्वतखोरी यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का मुतालबा पेश किया हुआ है। भले साजिश ही हो पर रमेश जारकीहोली इसमें दिन ब दिन फंसते ही नजर आ रहे हैं। जो भी हो पर इसका बेलगाम सियासत पर कितना असर होता है ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। क्या आज भी जारकीहोली भाइयों का दबदबा है या खत्म हुआ है? कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में कुछ ना कुछ हर रोज होता ही रहता है। पुलिस को अवाम का माफी कहा जाता है। सभी जानते हैं कि बढ़ते कोरोना के मद्देनजर पुलिस की जानिब से मास्क की सख्ती की जा रही है। कोरोना बढ़ने की बात भी कही जा रही है पर हजारों की भीड़ भी जमा होती रहती है। अक्सर यह हुकूमत पर इल्जाम लगाया जाता है कि अपनी सहूलतों के हिसाब से कानून बनाए जाते हैं और तोड़े भी जाते हैं। कल बेलगाम में पुनीत राजकुमार को देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा हुई थी। इसी तरह बेलगाम और अतराफ में मेले जतरा का एहतमाम तो होता ही रहता है। खैर बेचारे कांस्टेबल तो ऊपर से जो हुक्म आता है इसी पर अमल करते रहते हैं। इसी तरह की वारदात मैसूर में देखने को मिली। पुलिस के जुर्माने से बचने के चक्कर में बाइक सवार को अपनी जान गंवानी पड़ी पर आवाम ने तमाम गुस्सा पुलिस वालों पर निकाला। लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बाद में पुलिस वालों की सवारियों पर भी हमला किया गया। पुलिस वालों के साथ आवाम पर भी मुकदमा दायर करने की बात कही जा रही है। कुर्ची में अल जिलानी फाउंडेशन की जानिब से वसीम रिजवी के खिलाफ तहसीलदार को मुतालबा पेश करते हुए वसीम रिजवी पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा पेश किया। हम सभी जानते हैं कि वसीम रिजवी मलून के खिलाफ पूरे मुल्क में जबरदस्त गुस्से का इजहार किया जा रहा है। अल जिलानी फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान ने इस वक्त मौजूद थे जिसमें खास तौर पर जहूर बाबा शहजादे खलील मौलाना मुनव्वर सरफराज हाफिज जी अयाज हाफिज जी कुर्ची की दिगर आवाम भी इस वक्त मौजूद थी। अब्दुल कलाम फाउंडेशन की जानिब से उज्जवलनगर में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया जिसमें कसीर तादाद में नौजवानों ने ब्लड डोनेट किया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में बतौर मेहमान खुसूसी माल मारुति के सिफेद सुनील पाटिल शरीक रहे। दिगर जिम्मेदारान में इमाम साहब रियाज गैबी सुहेल और इरफान भी मौजूद थे। अब्दुल कलाम फाउंडेशन के इस इकदाम पर इन्हें सराहा जा रहा है। खैर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।